नमस्कार दोस्तों, मैं परिधि त्रिवेदी परीख आज फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं वही टॉपिक के साथ जो हमने लास्ट सेशन में बात किया। लास्ट सेशन में हमने बात किया था मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में और उसकी बेसिक ट्रिक्स के बारे में बात किया था, और आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ और बड़े बड़े नंबर्स के कैलकुलेशंस देखने वाले हैं, बड़े नंबर के मल्टीप्लिकेशन टेबल सीखने वाले हैं। तो अगर आज का सेशन आप ठीक से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली 1 से 100 तक के मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आप ऐसे ही चुटकियों में हाथ में ही कर लेंगे, विदाउट यूजिंग पेन पेपर, राइट इन योर माइंड, आप दिमाग में ही कर पाएंगे। बहुत ज्यादा बातें न करते हुए हम सीधा स्क्रीन पे फोकस करते हैं, एक क्वेश्चन से रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट ट्रिक 1 की जो हमने सीखी थी उसका रिवीजन करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। 23 × 3 कैसे करेंगे सोचे। 23 × 3 के लिए हम अगर 20 × 3 सोचेंगे तो 60 आएगा, पर 3 एक्स्ट्रा है यहां पे, तो 3 × 3 मतलब कि 9 हमें 60 में ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 69। सो 69 इज द आंसर, हमारा जवाब हो गया 69। और ये है स्मार्ट ट्रिक 2, आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। 23 × 3 ये टेक्निक में हमें 23 के 2 और 3 को दिमाग में सेपरेट देखना है, इसी वजह से 23 का कलर कोड आपको अलग दिया है। 2 जो है वो ब्लू कलर में दिया है और 3 जो है वो ऑरेंज कलर में दिया है। सबसे पहले जो पहला डिजिट है, प्रथम आंक 23 का जो है वो है 2, उसको 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से 2 × 3 = 6 हमें मिलता है। और उसके बाद 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 × 3 = 9 मिलता है। अभी 6 और 9 को क्लब कर दो, एक साथ ले लो, और ये हो गया हमारा आंसर, ये है हमारा जवाब, और हमारा जवाब है 69। कितना सिंपल है। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आपको थोड़ा से सेकंड्स दे रहे हैं, 30 सेकंड्स जितना समय मिल रहा है आप अपनी बुक में ठीक से इसी प्रकार से लिख लीजिए, क्योंकि ये चीजें लिख लिख के सॉल्व नहीं करनी है, आपके दिमाग में आपको ये सोचना है, और ऐसे सोचने से आपका दिमाग में आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, आपको कुछ कैलकुलेट पेन या पेपर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी देखो 69 23 × 3 आ गया और हमारा जवाब 69 हो गया, पर 23 एक छोटा सा नंबर है। अगर ये जो 69 है, ये 69 के साथ मैं कुछ गुणा करने का सोचूं और मैं क्वेश्चन दूं कि 69 × 9 करना है, तो आप कैसे करेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो काफी लोग ऐसे सोचेंगे, ओ माय गॉड 69 बहुत बड़ा नंबर है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर ये स्मार्ट ट्रिक 1 है जो इनफ है 69 × 9 को कैलकुलेट करने के लिए, बहुत आसानी से हम ये कर पाएंगे। 69 को आप 70 - 1 सोचे, अगर ये 70 होता तो 70 × 9 = 630 हमारा आंसर हो जाता, पर ये 70 से एक कम है तो 1 × 9 = 9, 630 में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो गया 621 जो है हमारा आंसर। आपको ध्यान से अपनी नोटबुक में ये स्टेप्स लिख लेने हैं, फिर से एक बारी समझा रही हूं आपको। 69 को 70 - 1 लिया जाएगा, विस्तरण के नियम के आधार पे 70 × 9 - 1 × 9 होगा, मतलब कि 630 से 9 कम किया जाएगा, मतलब कि 621 हमारा आंसर होगा। ये चीज लिख लीजिएगा, अगर ना लिखी हो तो स्क्रीन पे थोड़े सेकंड्स के लिए फ्लैश होगी ये चीज। बहुत ध्यान रखिए कि जो स्मार्ट ट्रिक 1 स्मार्ट ट्रिक 2 हमने सीखी है वही स्मार्ट ट्रिक 1 स्मार्ट ट्रिक 2 आप कोई भी नंबर में इस्तेमाल कीजिए 1 से 100 में, और आपके आंसर तुरंत आएंगे, बिल्कुल फास्ट, दिमाग में लिखे बिना।
69 इंटू 9 को हम दूसरी टेक्निक से सीखते हैं. आप अपनी बुक में लिख सकते हैं स्मार्ट ट्रिक 2. अभी इस स्मार्ट ट्रिक में जैसे हमने अभी ही सीखा था कि 6 और 9 को सेपरेट पढ़ना होता है, उस ढंग से हम 6 9 ये 6 और ये 9 को मल्टीप्लाई करके 54 लिखेंगे और फिर ये ऑरेंज वाला 9 और ये ब्लैक वाला 9 मिलके 81 बनाएंगे. अभी 54 81 एक साथ हो जाएगा, पर यहां पे एक चीज ध्यान ये रखनी है कि ये जो ऑरेंज वाला कलर है उसमें सिर्फ एक ही डिजिट होगा, तो दशक के स्थान पे जो अंक है, दशक के स्थान पे जो डिजिट है, उसे हम कैरी फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा देंगे कुछ इस तरह. एंड 54 प्लस 8 हो जाएगा 62. 1 वैसे का वैसा रहेगा, तो 621 हमारा आंसर हो जाएगा. तो हमारा आंसर है 621. ये चीज सबको समझ में आई होगी. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी टेक्निक है जो हम यूज कर रहे हैं. अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं. पहले आप करेंगे 48 इंटू 7, आप सॉल्व कीजिए स्मार्ट ट्रिक 1 को यूज करके. आपके पास है 10 सेकेंड्स. अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 48 है ये 50 से 2 कम है, और अगर सिर्फ 50 होता तो 50 गुणा 7 350 मिल जाता, पर क्योंकि ये 2 कम है तो 2 इंटू 7 14 कम करना पड़ेगा. किसमें से? 50 गुणा 7 350 में से. 350 में से 14 जब हम कम करते हैं तो 336 मिलता है. ये जो चीज मैं बोल के दिखा रही हूं अभी, तब तक आप में से कितने लोगों ने कैलकुलेट किया होगा इसी ढंग से, और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है. स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप देखिए, समझिए, लिखिए, जानिए. 48 को 50 माइनस 2 सोच सकते हैं हम, एंड 50 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 7 लिखा जाएगा जो दिमाग में हम कैलकुलेट करने वाले हैं. 50 इंटू 7 350 होता है, 2 इंटू 7 14 होता है, 350 माइनस 14 336 होता है. और अगर आपको 350 माइनस 14 करने में दिक्कत हो रही है तो हमेशा याद रखिए, जिसमें यूनिट डिजिट 0 है वैसे नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन समेशन कुछ भी करो, बहुत आसान हो जाता है बिकॉज मैजिक ऑफ 0. सो 350 माइनस 14 करने के लिए 350 माइनस 10 कीजिए जो 340 देगा, माइनस 4 कर दीजिए सो 336 मिल जाएगा. सो हमारा आंसर है 336. कितना आसान है, कितना इजीली हम ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 इंटू 3, और यहाँ पे आपको स्मार्ट ट्रिक 2 यूज करनी है. अच्छा, आप कोई भी स्मार्ट ट्रिक कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बट ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको दोनों तरीके की ट्रिक्स का प्रैक्टिस हो जाए. नाउ जब हम यहाँ पे स्मार्ट ट्रिक 2 यूज करते हैं तो देखिए 4 और 8 को हम अलग अलग सोचते हैं. 4 3 12 हो जाएगा एंड 8 3 24 हो जाएगा. नाउ 12 24 दोनों एक साथ लिख देंगे, और क्योंकि ऑरेंज कलर के डिजिट सिर्फ एक होंगे, दो नहीं हो सकते, मतलब अगर दो है तो मुझे ये आगे वाले डिजिट को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है, बद्दी लगाना है. सो 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 12 प्लस 2 14 होगा, और 4 तो बचा हुआ है, तो 14 एंड 4 दैट इज 144. तो हमारा आंसर है 144. बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, और मेरा फेवरेट तरीका भी है क्योंकि बड़ा मजा आता है ऐसे कैलकुलेट करने में. लिखना ही नहीं पड़ता है, सारी चीजें दिमाग में होने लगती है. कितना अच्छा तरीका है. आप सब लोग ये लिखिए, समझिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए, आप जरूर बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे. आगे बढ़ते हैं 98 इंटू 6, ये सॉल्व करने का प्रयास कीजिए. आपको 10 सेकेंड दिए जा रहे हैं. सोचिए स्मार्ट ट्रिक 1 को यूज करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ध्यान से सोचिए. तो यहां पे 100 सोचना पड़ेगा. 100 इंटू 6 वो 600 होता है, पर यहां पे 2 कम है तो 2 इंटू 6 12 मुझे 600 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 588 आंसर आएगा. आप में से काफी लोगों ने ये सोच भी लिया होगा अभी तक, और अगर नहीं सोचा है तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो 98 है 100 माइनस 2, 100 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 6,
सो ये हो गया 600 माइनस 12 जो होता है 588. फिर से मैं बता रही हूं कि अगर आपको ये करने में दिक्कत हो रही है, लिख के करने की जरूरत नहीं है. 600 माइनस 10 सोचें जो 590 होगा, और उसमें से दो और माइनस कर दे. 12 का दो बच गया था क्योंकि हमने सिर्फ 10 माइनस किया था, पर हमें माइनस करना था 12, तो जो दो बच गया है वो माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 588. तो हमारा जवाब है 588. सो सिंपल, सो इजी, सो इंटरेस्टिंग, सो लॉजिकल, सो फास्ट, सो इंटेलिजेंट इट इज. आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, ये इस ढंग से कैलकुलेशन करना सीखिए, बहुत मजा आएगा. क्या होता है कि दिमाग को थकान कम महसूस होती है. हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो लॉजिकली और दूसरा है मैकेनिकली. तो हम जो लिख लिख के सॉल्व करते हैं ना, वो मैकेनिकली सॉल्व करते हैं, और मैकेनिकली चीज़ें करने से हम थक जाते हैं, हमारा दिमाग भी थक जाता है और हमारा कैलकुलेशन में एरर भी होने लगता है, सिली मिस्टेक्स जो होती है वो भी होने लगती है. पर आप जब कोई चीज़ को लॉजिकली तार्किक धोरण पे सोचने लगते हैं तो चीज़ें बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और थकान महसूस नहीं होती है, और इस वजह से सिली मिस्टेक्स भी नहीं होती हैं. तो ये चीज़ जो हमने अभी तक सीखी उसका एक इवैल्यूएशन टेस्ट लेते हैं, और ये जो इवैल्यूएशन टेस्ट है वो मैं एक क्वेश्चन फ्लैश करूँगी और उसके साथ साथ आपको 5 सेकेंड दूंगी, और वो सारे आंसर्स आपको दिमाग में कैलकुलेट करने हैं लिखे बिना. एंड सारे शिक्षक गण को निवेदन है, जो भी क्लास में उपस्थित है, कि ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो ठीक से हो. सारे लोग, सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इसे कैलकुलेट करें और अपना हाथ रेज करके बताए कि हमारा आंसर आ चुका है. तो ऐसा कुछ माहौल क्रिएट हो, ऐसा रिक्वेस्ट है. क्लास में बहुत ही अच्छे से सारे स्टूडेंट्स पढ़े ऐसी आशा करती हूँ. और अभी आपका इवैल्यूएशन टेस्ट शुरू हो रहा है, ऑल द वेरी बेस्ट. 5 सेकंड मिलेंगे आपको और उसके एंड पे आपको सही जवाब दिखाया जाएगा. अभी समय है इवैल्यूएशन टेस्ट का. सो ऑल सेट, ऑल रेडी? यस. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 63 × 5, और आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब. समय समाप्ति की घोषणा, आपका समय खत्म हो चुका है. अभी देखे स्क्रीन पे, देखे मेरे सामने, देखे सब लोग. बेटा 63 × 5 करना है. अगर यहाँ पे 63 की जगह 60 होता तो बहुत आसान क्वेश्चन रहा, क्योंकि 6 × 5 करेंगे 30 जवाब मिलेगा और पीछे एक जीरो लगा देंगे, मैजिक ऑफ जीरो. जीरो है तो कोई टेंशन ही नहीं है. सो 300 जो मिला उसके अंदर हमें 3 × 5 ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज 60 नहीं है हमारा क्वेश्चन, है 63 × 5. तो 3 × 5 होता है 15. सो 300 में 15 को ऐड कर देते हैं तो 315, 315 हमारा जवाब हो जाएगा. कितना आसान तरीका है. आप में से काफी लोगों ने सही जवाब भी दिया है. सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि जिन्होंने सही जवाब दिया. और जो लोग सही जवाब नहीं दे पाए हैं उनको बिल्कुल भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, दूसरे क्वेश्चंस आ रहे हैं. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. सो दूसरा क्वेश्चन है 25 × 7. समय शुरू होता है अब. टाइम इज अप, आपका समय खत्म हो चुका है. और आंसर देखने से पहले थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए. ये है 25 × 7. 25 की जगह होता सिर्फ 20, सो 20 × 7 होता 140. पर क्योंकि यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है, सो 5 × 7 हो जाएगा 35. सो 140 + 35 हमारा आंसर हो जाएगा 175. ये था हमारा ट्रिक वन. और देखिए आंसर तो 175 है ही, पर अगर ट्रिक टू से करते हैं तो सोचे, दिमाग में सोचे कि 25 × 7 लिखा है स्क्रीन पे, ध्यान से देखें. सो पहला डिजिट है 2, 2 × 7 होगा 14, एंड 5 × 7 होगा 35. सो 14 एंड 35, 35 का 3 14 के ऊपर जाएगा सो बनेगा 17, और 35 का 5 बच जाएगा जो क्लब हो जाएगा. सो हमारा आंसर है 175. काफी सही जवाब मिल रहे हैं क्वेश्चंस के,
बहुत सही जवाब आप दे रहे हैं. जो लोग नहीं दे पा रहे वो बिल्कुल चिंता मत करें बेटा, प्रैक्टिस है वो सब चीज सुधार देता है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए. तो प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन है 29 × 5. ट्राई इट आउट, आप सब सही आंसर ला सकते हैं. आपका समय शुरू होता है अब. डियर स्टूडेंट्स योर टाइम इज अप, आपका समय समाप्त होता है. डियर स्टूडेंट्स नाउ इसे हम 29 × 5 की जगह 30 × 5 भी सोच सकते हैं, और 30 × 5 मैजिक ऑफ जीरो, 3 × 5 = 15, जीरो ऐड कर दिया तो 150, तो हमारा आंसर हो जाएगा 150. पर यहां पे 30 × 5 नहीं है, है 29 × 5. सो 29 × 5 के लिए एक कम है, 30 × 5 हमने एक ज्यादा लिया है, तो एक कम करने के लिए 1 × 5 करना पड़ेगा. तो 5 कम कर दो, किसमें से, 30 × 5 में से. 30 × 5 क्या होता है, 150. 150 में से 5 कम करते हुए क्या मिलेगा, 145. तो हमारा जवाब हो गया 145. तो यहां हमने स्मार्ट ट्रिक 1 यूज किया. आई होप आपको ये समझ आ रहा है, और देखिए आंसर तो 145 ही है जो हमने डिस्कस किया. लिखते जाइएगा जो बोल रही हूं, समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा, और इसका प्रैक्टिस आपको घर पे जाके करना है. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, 33 × 6. समय शुरू होता है अब, 5 सेकेंड है आपके पास. टाइम इज अप, आपका समय समाप्त होता है. डियर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से देखिए, अगर यहां पे 33 × 6 की जगह 30 × 6 होता तो क्या होता, 33 × 6 18 होता, 3 × 6 = 18 होता है, और मैजिक ऑफ जीरो कि 30 का जो जीरो है वो पीछे लगाना पड़ेगा, तो 180 हमारा जवाब होगा 30 × 6 का. पर यहां पे 30 नहीं है, 33 है, मतलब कि 3 ज्यादा है, तो 3 × 6 मतलब कि 18 ऐड करना पड़ेगा, किस में, 30 × 6 में. 30 × 6 है 180, और 18 ऐड किया तो 198, जो हमारा आंसर है 198. कितना आसान और इंटरेस्टिंग तरीका है. एक और क्वेश्चन देखो और चेक करो कि क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और अरे कर ही सकते हैं, पर देखिए कि इस बार आपसे ये हो रहा है या नहीं हो रहा है. 72 × 7, लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में करने का ट्राई कीजिए. समय शुरू होता है आपका अब. एंड द टाइम इज अप, इट्स कंप्लीटली अप. नाउ अभी आप ध्यान से देखें, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थीगण, अगर 72 की जगह सिर्फ 70 होता तो मेरा काम बड़ा आसान होता. 70 × 7 के लिए मुझे 7 × 7 = 49, मतलब 7 × 7 = 49 ही करना था, पर क्योंकि ये 70 है तो मैजिक ऑफ जीरो, एक जीरो ऐड कर देना है, तो 490 हो गया. पर यहां पे 70 × 7 नहीं है, क्या है, तो फिर 72 × 7 है, मतलब कि 2 एक्स्ट्रा है. सो 2 × 7 = 14 होगा. सो 490 + 14, तो हमारा आंसर हो जाएगा 504. देखिए स्क्रीन पे फ्लैश हुआ 504. बहुत आसान इंटरेस्टिंग तरीका हमने सीखा है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत फायदा होगा आपको. डियर स्टूडेंट्स अभी आपके पास एक लास्ट चांस है, एक लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बहुत सही जवाब देने वाले हैं, और अगर ना आए तो चिंता मत करना, घर से जाके प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट टाइम सही जवाब आएगा. बट मोस्टली आप सबका सही जवाब आने वाला है, मुझे पता है, आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना. और लास्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और क्वेश्चन है 86 × 9. ये क्वेश्चन कीजिए, आपका समय शुरू होता है आप.
पांच सेकेंड खत्म हुए आपके, टाइम इज अप। अभी दोस्तों अभी ध्यान से देखो, इसमें मैं स्मार्ट ट्रिक टू यूज करना चाहती हूँ। बस मन कर रहा है, मुझे इच्छा है, आपको जो भी इच्छा है वो कर सकते हो, स्मार्ट ट्रिक वन यूज करो, स्मार्ट ट्रिक टू यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मेजरली क्या मैं करती हूँ, आपको शेयर करती हूँ हम क्या कर सकते हैं ज्यादा, कि अगर 81 है, 89 है, 82 है, 88 है, ऐसे मतलब कि 0 से प्लस 1 प्लस 2 के पास है ना, तो मुझे है ना स्मार्ट ट्रिक 1 कंफर्टेबल लगता है, और बीच बीच के नंबर में मुझे स्मार्ट ट्रिक 2 कंफर्टेबल लगता है। ऐसा जरूरी नहीं है, आपको कुछ और भी कंफर्टेबल लग सकता है। दोनों ट्रिक्स कहीं पे भी यूज हो सकती है, आपको जहां पे यूज करना है वहां पे कीजिए, पर यहां पे मन कर रहा है कि मैं स्मार्ट ट्रिक 2 यूज करूं। तो 89 सा क्या होगा, 72 होगा, तो मेरे एक दिमाग के कॉर्नर में, या हम सब साथ में करते हैं तो हम सब हमारे दिमाग के कॉर्नर में 72 फिक्स करते हैं, सबने किया फिक्स, राइट। फिर बचा 86 का 6, तो 6 9 54, तो पहले था 72, दूसरा हुआ 54, 72 एंड 54, ध्यान दीजिए 72 54, तो दूसरा जो सेक्शन है 54 उसमें से 5 मुझे 72 के ऊपर कैरी फॉरवर्ड करना है। सो 72 प्लस 5 होगा 77 एंड 6 9 का 54 का 4 बच गया है, सो 774 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए स्क्रीन पे ये हुआ 774। मेरी बात ध्यान से समझिए दोस्तों, यहां पे कुछ भी आप स्मार्ट ट्रिक 1 यूज करो, 2 यूज करो, पर जवाब फास्ट आना चाहिए, 2-4 सेकेंड्स में आ जाना चाहिए और लिखे बिना आना चाहिए। यह है हमारा पावर, पावर वैदिक मैथमेटिक्स का पावर है, इसको यूज कीजिए आप, है ना। आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा ऐसी आशा करती हूं, मुझे विश्वास है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूं आप सबको कि आपने नोट्स ली ना हो तो प्लीज़ ले लीजिएगा। हर बार जब भी हमारे ये सेशन वैदिक मैथमेटिक्स के सेशंस आपके सामने आते हैं उसकी नोट्स ज़रूर बनाइए। सारे टीचर्स गण, जो भी सारे शिक्षक गण जो भी क्लास में मौजूद हैं, उनको भी रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इसकी नोट्स ले, उसका होमवर्क करे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमने जो भी सीखा है उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि बच्चे भूल जाएंगे, स्टूडेंट्स आप भूल जाएंगे अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो याद करने के लिए जिस दिन सीखा है उसी दिन उसका होमवर्क किया जाए, तब जाके आपके दिमाग में वो चीज़ एकदम सॉलिड हो जाएगी। तो अगर आज आपने ये चीज़ सीखी और आज आपने इसका होमवर्क किया, मतलब इट इज़ फिट इन योर ब्रेन, आप फिर उसे नहीं भूलोगे। तो आपके लिए प्रैक्टिस शीट बनाई गई है जो आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही है, आपको इसका होमवर्क बहुत ठीक से करना है और दोनों ट्रिक से करना है। मतलब कि ये जो 10 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो आपको स्मार्ट ट्रिक 1 से भी करने हैं और स्मार्ट ट्रिक 2 से भी करने हैं, और बहुत अच्छे से इसका प्रैक्टिस करना है। एक दूसरे को, आप जब एक दूसरे के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, तो एक दूसरे को क्वेश्चन पूछ लीजिए। जैसे कि आपका कोई दोस्त है रमेश है कोई क्लास में, उसका कोई दोस्त है जिगर, रमेश और जिगर दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो जिगर पूछेगा रमेश के साथ बात करते हुए कि भाई तू बता दे 86 7 क्या होगा, आंसर दे के वो पूछेगा चलो मैंने तो जवाब दे दिया, तू 54 9 बता दे क्या होगा। सो इस हिसाब से थोड़ा सा आप एक दूसरे को पूछते रहिए, जिससे आपको एक प्रैक्टिस मिलेगी, और नेक्स्ट सेशन में आने से पहले ये वाला टॉपिक एकदम स्ट्रांग करके आइए, है ना। मुझे आपके साथ बात करने से बहुत अच्छा लगा, आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया। नेक्स्ट टाइम हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।